Hello students, good morning. Today we are learning about crop production and management. Our class is for class 8, topic crop production and management. Students, we are learning about in previous class plant growth, animals, kind of animals, microorganic. So we are studying about more in previous class or in previous sections. Today we are learning about crop production and management in our country. A person who work in a field, these are called farmer. In Indian farmers work very hard in the fields. They grow crops, fruits, grains, etc. In our country, scientists gave good significance idea for crop productions. Our scientists produce hybrid seeds for hybrid population in our country. The students, our country population is increased in very high speeds. If we are not sown hybrid seeds in our fields, all the person do not available foods. Okay, the students, first headings agriculture, the practice of growing plant in area, the practice of growing plant and rearing animals on a large scale for food and other useful products is known as agriculture. The practice of growing plants and rearing animals on a large scale for food and other useful productions is known as agriculture. स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी फसल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स। और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को भी पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये भी उसके साथ पालते हैं, तो हमारी जो आय है वो बढ़ जाती है। देखिए, फसल से जो कुछ होता है वो खाने के लिए हो गया, अनाज जो एक्स्ट्रा होता है मार्केट में बेच लेते हैं, लेकिन जो उसका वास्ट मटेरियल निकलता है जैसे भूसा, धान में पुआल, तो इन सब को जैसे हम जानवर रखते हैं तो उनको खिलाते हैं, तो जानवर हमको दूध देते हैं, दूध को हम मार्केट में बेचते हैं, उससे भी हमको बेनिफिट मिलता है, प्लस परिवार के लोग भी दूध वगैरह खाते हैं। ठीक है, इन आवर इंडिया इंडियन फार्मर्स cultivated or grow three type of crops. First, rabi crop. Second, kharif crops. Third, jayad crops. Students, rabi crop means the crop grown in winter from November to April are called rabi crops. Students, वह फसल जो विंटर सीजन में नवंबर में बोई जाती हो और अप्रैल माह में काटी जाती हो, वह फसल जो नवंबर में बोई जाए और अप्रैल में तैयार हो जाए या उसकी हम हार्वेस्टिंग कर लें, ऐसी फसल को हम रबी की क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स,
व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड्स, पोटैटो, इट इज स्टूडेंट्स फील यू आर लिविंग इन विलेज इन विलेज पीपल्स दो एग्रीकल्चर वर्क्स तो यू लुक इन आवर फील्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन आवर फील्ड्स ओके नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप grown in summer from June to October are called kharif crops rice, jowar, bajra, etc. Students, a plant is grown in summer June to October are called kharif crops for example rice, jowar, bajra. स्टूडेंट्स वह फसल जो समर सीजन यानी गर्मी में जून के महीने में बोई जाए और अक्टूबर में काटी जाए उसे हम क्या कहते हैं खरीफ फसल इसके अंतर्गत राइस ज्वार बाजरा इत्यादि स्टूडेंट्स राइस मींस चावल चावल आप खाते होंगे बहुत से वैरायटी आज मार्केट में पहले स्टूडेंट ओपी वैरायटी की फसलें बोई जाती थी जैसे नागेंद्र सरयू बावन लेकिन आज हाइब्रिड प्रजाति के धान के बीज मार्केट में अवेलेबल है स्टूडेंट एग्जाम्पल पाइनियर 6444 स्टूडेंट्स जो हाइब्रिड प्रजाति के धान की प्रजातियां हैं उनमें पैदा बहुत होती है जो भी वैरायटी की फसलें थे वो एक बीघे में 6-7 क्विंटल होती थी स्टूडेंट्स लेकिन आज जो मार्केट में हाइब्रिड वैरायटी 6444 पाइनियर नाटी मथुरी दामिनी ये सब ऐसे प्रजाति हैं स्टूडेंट्स जो बहुत पैदा देते हैं जैसे 6444 है वो एक बीघे में 20 क्विंटल होता है यदि आपका अच्छी फील्ड है तो एक बीघे में 20 क्विंटल होती है पूसा बासमती एक बीघे में 3-4 क्विंटल होती है लेकिन ये मार्केट में बहुत महंगी है इसकी मार्केट वैल्यू बहुत है सोनम एक बीघे में 6-7 क्विंटल होता है इसकी भी मार्केट वैल्यू बहुत है और खाने में बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जायद द क्रॉप ग्रोन इन समर फ्रॉम मार्च टू जून द क्रॉप ग्रोन इन समर फ्रॉम मार्च टू जून आर कॉल्ड जायद क्रॉप मूंग उड़द लेडी फिंगर कुकुम्बर वाटरमेलन इत्यादि स्टूडेंट्स जायद की जो फसल है वह मार्च में बोई जाती है और जून में तैयार होती है जून तक चलती है इसके अंतर्गत मूंग उड़द लेडी फिंगर कुकुम्बर वाटरमेलन इत्यादि बिटर गार्ड स्टूडेंट्स आप जानते हैं गर्मी के सीजन में जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो खेत को भर करके फिर उसमें क्या होते हैं मूंग उड़द लेडी फिंगर भिंडी कुकुम्बर वाटरमेलन इत्यादि ये सब जब बोते देते हैं तो हम गर्मियों के सीजन में इसको खाते हैं तो इस तरह से आपके बुक में सिर्फ दो ही फसलों का वर्णन है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप जायद क्रॉप का नहीं है तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जायद की भी क्रॉप बोई जाती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब क्रॉप को बोने से पहले प्लांट को बोने से पहले हम पहले फील्ड को तैयार करते हैं फील्ड को तैयार करने के लिए नेक्स्ट स्टडी है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नेक्स्ट स्टडी है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस द टास्क दैट ए फार्मर फॉलो
इन द एग्रीकल्चरल फील्ड आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वह कार्य जो किसान अपने खेतों में करता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट हेडिंग, किसी भी सीड को बोने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, किसी भी सीड को हम बोने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, तो फर्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय प्रोबिंग और टिलिंग। मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं, प्रोबिंग करके और टिलिंग करके, मिट्टी की जुताई करके। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग है प्रोबिंग और टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्रोबिंग। करें वह प्रोसेस जिस विधि के द्वारा हम मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, अलग कर दें या पलट दें, ऐसी विधि को क्या कहते हैं हम, प्रोबिंग और टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्रोबिंग। स्टूडेंट्स, पहले जो फार्मर थे वो बैलों से खेत की जुताई करते थे, तो बैलों से जब जुताई करते थे तो उसमें दो तरह के हल होते थे, एक सिंपल हल होता था, एक मिट्टी पलट हल होता था। तो सिंपल हल से क्या होता था कि हम गेहूं की जुताई करते थे, और मिट्टी पलट हल से हम धान के समय में जुताई करते थे। उसमें क्या होता, जैसे पहले बरसात हो जाती है तो बहुत से घास फूस यानी अनवांटेड प्लांट उगाते हैं, तो अनवांटेड प्लांट को खेत में खत्म करने के लिए हम मिट्टी पलट हल से जुताई करते थे। तो वो जैसे जैसे चलता था ऐसे मिट्टी पलटती जाती थी, मिट्टी पलटती जाती थी, जो घास वगैरह थी ऐसे वो दब जाती थी। तो एक दिन जुताई करके खेत को छोड़ दिया जाता था तो वो धीरे धीरे पेड़ पौधे जो होते थे वो क्या होते थे, उसमें सड़ जाते थे। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, आज बैलों से भी ट्रैक्टर से होती है, तो ट्रैक्टर में दो तरह के रोटावेटर और कल्टीवेटर होते हैं। स्टूडेंट, जब हम बैलों से जुताई करते थे तो जो माइक्रो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फील्ड में हमारे, वो बचे रहते थे। जब वो बचे रहते थे तो वो मिट्टी को कोली बनाते थे, जैसे कछुआ है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो मिट्टी में पड़े रहते थे, वो नष्ट नहीं होते, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम रोटावेटर से या कल्टीवेटर से जुताई करते हैं तो रोटावेटर से मिट्टी को काटता है, उसमें वो कीड़े मकोड़े भी कट जाते हैं, जैसे अखबार है या अन्य यूजफुल बैक्टीरिया है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी तो भुरभुरी हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप अनुमान लगाइए, पहले की तुलना में काम सरल हो गया लेकिन गुणवत्ता वही है, फसल की जो पैदावार है वही है, और मिट्टी धीरे धीरे बैरन होती जा रही है। बैरन क्यों हो रही है, क्योंकि जो उसमें यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो कल्टीवेटर से कट जाते हैं, रोटावेटर से कट जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ रोइंग। स्टूडेंट्स, जब हम जुताई करते हैं तो उससे क्या क्या फायदा होता है, ये नेक्स्ट स्टडी में दिया गया है। फर्स्ट स्टडी है, फर्स्ट पॉइंट, इट अलाउ द रूट टू रीच डीपर। अगर जब हम मिट्टी को जुताई करते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है, उसके कणों के बीच में स्पेस हो जाता है, जिससे जो भी सीड हम होते हैं उसकी जड़ नीचे तक चली जाती है मिट्टी में आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फार्मली टू द ग्राउंड। करें जब मिट्टी नीचे तक, जड़े नीचे तक जाती हैं तो हम मजबूती से मिट्टी को पकड़ती है, जिससे पौधा क्या है, खड़ा रहता है। के यानी रूट हेल्प स्टेरेट द प्लांट। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल व्हिच इज नेसेसरी फॉर रूट बी। जब मिट्टी लूज हो जाती है उसके कणों के बीच में स्पेस हो जाता है तो रूट भी सांस लेती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप देखे होंगे कि पत्तियां, पेड़ पौधे जो हैं पत्तियों से सांस लेते हैं, पत्तियों के माध्यम से उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन स्टूडेंट्स रूट्स भी सांस लेती हैं। आप देखे होंगे कुछ ऐसे जो मर्सी एरिया पौधे होते हैं उसमें जो मिट्टी होती है वो दलदली होती है, उसमें स्पेस नहीं होता कि जड़ सांस ले, तो उसमें निगेटिव रूट्स आती हैं, निगेटिव रूट्स बाहर आ जाती हैं मिट्टी से और वो सांस लेती है। जैसे आपने पनियार में देखा है कि रूट्स निकल कर ऐसे एयर में ऐसे झूलती रहती है,
जब तक वह एयर में घूमती रहती है तब तक वह ब्रीथिंग रूट्स का काम करती है, और जैसे ही वह ग्राउंड से सॉइल से टच होती है तो मेन रूट का काम करने लगती है, वाटर और मिनरल्स पर ध्यान करके प्लांट को देने लगती है, जिससे बरगद का पेड़ काफी दिनों तक हरा भरा रहता है। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, यूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जब मिट्टी लूज रहती है तो उसमें जो बैक्टीरिया जिससे राइजोबियम लेग्यूमिनस से रस वह मिट्टी में पड़ा रहता है, जब दलहनी फसल में हम बोते हैं तो उनकी जड़ों में आ जाता है, तो आसानी से उसमें पड़ा रहता है। प्लांट क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और वह बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है और उसके बदले में वाटर और मिनरल्स प्लांट से लेता है। तो इस तरह से वह जो प्लांट है वो सिम्बायोटिक लाइफ जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, लूज सॉइल एबल टू एब्जॉर्ब एंड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बेटर। पर जो मिट्टी लूज होती है तो उसमें जैसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर मिट्टी में मिला दिए हैं तो वह उसकी जड़ें जब फैलती हैं जो मॉइस्चर आता है उस मैन्योर फर्टिलाइजर को आसानी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको बताएं जो ऊसर है उसमें सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। जब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता जब उसमें हम कोई भी पौधा लगा देते हैं या बो देते हैं वो भी जाएगा तो उसकी जड़ें दूर तक फैल नहीं पाती, और फैल नहीं जाती है तो वो एयर को जिसे रोज ब्रीथ नहीं कर पाती रूट, तो धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, प्लांट डेड हो जाता है। नेक्स्ट है लेवलिंग। जैसे हमने फ्लोरिंग तो कर लिया, मिट्टी को जुताई कर लिया, तो उसे क्या करते हैं, लेवलिंग यानी पाटा लगाना। लेवलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस स्मूथ एंड इवन। करें हम लेवलिंग लगा करके जो सॉइल की सरफेस स्मूथ कर देते हैं, इवन मतलब एक जैसा हर जगह हम चारों तरफ बराबर कर लेते हैं। करें दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन आयरन लेवलर। करें जो हम मिट्टी के ऊपर पाटा लगाते हैं जिसके द्वारा लगाते हैं वो लकड़ी का होता है या तो लोहे का होता है। इट इज डन टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलाइजेशन इन द फील्ड। करें जब हम पाटा लगा देते हैं, जब हम सिंचाई करते हैं तो ये हर जगह एक इक्वल अमाउंट में वाटर से रहता है, इससे क्या होता है कि ज्यादा पानी स्टोर नहीं होता जिससे जो प्लांट उसमें है उसको नुकसान नहीं होता। यदि हम पाटा ना लगाएं तो बड़ा खबर रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा वाटर स्टोर हो जाएगा, उससे हमारे फसलों को नुकसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स। वेरी मोस्ट पॉइंट, अच्छी फसल हमको ये देखे, द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स। करें जितनी अच्छी आपको फसल चाहिए उतना अच्छा आपको बीज बोना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सोन सीड। स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा प्रोडक्शन आपको लेना है तो उसके लिए अच्छे सीड्स बोने पड़ेंगे। अच्छे सीड्स से तात्पर्य यह है कि वह सीड नीट एंड क्लीन हो, हेल्दी हो, इसके साथ जब हेल्दी रहेगा आप उसमें बोएंगे तो जो भी प्लांट उगेगा वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। जब हेल्दी होगा तो अच्छी पैदावार होगी फसल। लेकिन सीड को बोने के भी दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। गांव में लोग क्या करते हैं, जल्दी में पहले जो ओल्ड फार्मर थे हमारे पूर्वज वो बैलों से बोते थे, कूण विधि से। कूण विधि से मतलब जैसे कि बैल लेकर वो धीरे धीरे ऐसे आगे जाता था तो एक ग्रुप बन जाती थी नाली, तो एक पीछे से आदमी उसमें से बीजों को ऐसे गिराता हो जाता था, फिर जब दोबारा आता था तो उसके बगल से हल को लेकर जाता था,
वो मिट्टी उसके जो पहले ग्रुप्स बना था उसमें चली जाती थी, नई नाली बन जाती थी, फिर उसमें सीड बोते थे। इस तरह से वो कंटिन्यू बोता हुआ ऐसे जाता था कई राउंड बैलों के सहारे से, तो उसमें जो बीज थे वो प्रॉपर नीचे तक चले जाते थे। और फिर बाद में पाटा लगा देता था, जब पाटा लगा देता तो सारे सीड बहुत अच्छी तरह से फूटते थे। लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है, 10-20 खेत बोने के लिए पूरे दिन भर टाइम लग जाते थे। अब क्या करते हैं लोग, ब्रॉडकास्टिंग सीड स्प्रेड थ्रू हैंड्स। लोग क्या करते हैं कि जैसे सीड्स को मैन्योर्स को एक साथ मिला करके हाथ से ही छिटक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 25-30% सीड तो ऊपर ही रह जाता है, वो उगता नहीं, 30% ताको ऐसे बर्बाद हो गया। और कुछ सीड ऐसे हैं जो प्रॉपर गहराई में नहीं जा पाते, 3-4 इंच तक जब गहराई में नहीं जाते हैं तो लोग मॉइस्चर, हीट एनर्जी, सनलाइट ये सब ठीक से नहीं मिल पाता है, तो वो भी जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो यदि हम ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटर्ड बाय हैंड करते हैं तो सीड जर्मिनेशन कम होता है। तो आप ये सोचते हैं कि वो बोए तो बहुत है लेकिन उगा नहीं, तो आपने मिस्टेक किया। जिससे हमारे साइंटिस्टों ने सलाह दी, सीड ड्रिल एक मशीन, अब तो बैल रहे हैं लोग ट्रैक्टर से बोते हैं, तो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर के ऊपर एक टंकी टाइप का होता है और उसमें से पाइप लगी रहती है कल्टीवेटर के नीचे, हर कल्टीवेटर के नीचे से पाइप लगी रहती है। जब उसमें आप सीड डाल देंगे वो ट्रैक्टर चलेगा, जैसे कुंड बनेगा उसमें ग्रुप्स, तो उसमें सीड ऐसे गिरता रहेगा। तो एक बीघे में जिससे आप जितना सीड बोते हैं उसी हिसाब से मैन्योर प्लस सीड्स को मिलाकर उसमें डाल देते हैं और वो धीरे धीरे चलता रहता है और सीड उसमें गिरते रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम सीड ड्रिल के माध्यम से बोते हैं तो सीड एक उचित गहराई में चला जाता है, उसे एयर वाटर मॉइस्चर भी मिल जाता है। और जब हम मैन्योर मिलाए हैं उसमें तो मैन्योर भी उसके पास गिर रहा है, जैसे सीड जर्मिनेट होता है तुरंत मैन्योर पाता है तो बहुत तेजी से उसकी रूट्स वगैरह डेवलप होती है। जैसे आप देखते हैं गांव में जैसे बच्चा है यदि उसकी मम्मी स्वस्थ है तो बच्चा भी बहुत तंदुरुस्त होता है, यदि उसकी मम्मी स्वस्थ नहीं है बैलेंस डाइट नहीं खाती है तो बच्चा भी वैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से सीड ड्रिल से जब हम होते हैं और जब हम ब्रॉडकास्टिंग से होते हैं तो एक बार हम जैसे सीड को छींटते हैं तो दूसरी बार क्या करते हैं, मैन्योर को डालते हैं तो सीड के पास मैन्योर नहीं पहुँच पाता, ठीक, वो अलग अलग जगह रह जाते हैं, सीड कहीं गया मैन्योर फर्टिलाइजर कहीं गया, तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर वे में नहीं होता जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। जो आगे की हेडिंग है वो नेक्स्ट डे, ओके स्टूडेंट्स, वी मीट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, ओके।